मेंढक मंदिर की अजब गजब है कहानी। मंदिर में विशाल मेंढक की होती है पूजा। यहाँ स्थापित शिवलिंग बदलता है रंग। खड़ी नंदी की मूर्ति भी है भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश के अनोखे मंदिरों में से एक है मेंढक मंदिर। ये जितना नाम से अनोखा है उतनी ही इस मंदिर के निर्माण की कहानी रहस्यों से भरी है। सबसे पहले बताते हैं कि मंदिर में किसकी पूजा अर्चना होती है। दरअसल यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है। बताते हैं मंदिर से जुड़ी जानकारी के बारे में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ओयल कस्बे में स्थित इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये जगह ओयल शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के शासक भगवान शिव के उपासक थे। इस कस्बे के बीच मंडूक यंत्र पर आधारित प्राचीन शिव मंदिर भी है। मेंढक मंदिर के शिवलिंग की खास बात यह है कि इसका रंग बदलता है। यहाँ खड़ी नंदी की मूर्ति है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बता दें कि क्षेत्र 11वीं सदी से 19वीं सदी तक चहमान शासकों के अधीन था। चहमान वंश के राजा बख्श सिंह ने ही इस अनोखे मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि मंदिर करीब 200 साल पुराना है। मान्यता है कि सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। मेंढक मंदिर में दीपावली के अलावा महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। मंदिर के अंदर भी कई विचित्र चित्र लगे हुए हैं जो मंदिर को शानदार रूप देते हैं। मंदिर के सामने मेंढक की मूर्ति है और पीछे भगवान शिव का पवित्र स्थल जो एक गुंबद के साथ चौकोर आकार में बना हुआ है। कहते हैं कि इस मंदिर की वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। तंत्रवाद पर आधारित इस मंदिर की वास्तु संरचना अपनी विशेष शैली के कारण लोगों का मन मोह लेती है। पुराने ऐतिहासिक कहानी को समेटे हुए ये मंदिर ओयल शैव साम्राज्य का एक केंद्र हुआ करता था। यहाँ के पीठासीन भगवान शिव जी है, इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश के नर्मदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मेंढक मंदिर में हर रोज हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन दीपावली और महाशिवरात्रि पर यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। मान्यता है कि मंदिर में पूजा करने पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है और विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।